Dear students, good morning everybody. Welcome to online classes, subject science, topic to discussion of cell. So we discussion for topic cell. What is cell? Cell is discovered by cell is the structural and functional of unit in body. So the structural and functional unit of our body, unit of our body called सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी और उसका जो हमारी बॉडी है या ह्यूमन बीइंग की जो संरचना है, पूरी शरीर की जो संरचना है वो मुख्यतः सेल से मेड अप है, यानी सेल से बनी है। तो सेल आर डिफरेंट टाइप दैट इज द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ सेल, यानी सेल आर टू टाइप, दैट इज द सेल ऑफ टू टाइप। सो सेल इज द डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इज डिस्कवर्ड बाय द यानी कॉल। सो द डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक द सेल इज टू द कॉल एंड कॉल आर द मल्टी सेलुलर सेल। सो इज द डिफरेंट दैट द माइक्रोविलाई आर रेडी प्रेजेंट इन दिस पार्ट ऑफ सेल। तो दिस सेल इज कॉल्ड द सेलुला, सेलुला इज द कॉल्ड ऑफ सेल। तो सेल की जो फॉर्मेशन है वो मुख्यतः रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की बोतल को देखा और कॉर्क में क्या कोष्ठक लाइक स्ट्रक्चर थे इसके अंदर, उन कोष्ठकों को सेल या सेलुलर नाम दिया और सेलुलर से सेल शब्द की उत्पत्ति है। सेल जो है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है और सेल है जो मुख्यतः दो प्रकार के हैं। सेल्स आर टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। सेल आर टू टाइप, वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। सो सेल आर टू टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं यानी जिनकी जिनमें प्रो का मतलब प्रारंभी या प्रारंभिक, कैरियोन का मतलब होता है यानी न्यूक्लियस। तो प्रो मींस प्रारंभिक, प्रारंभिक और कैरियोन, कैरियोन मींस न्यूक्लियस। कहने का मतलब है ऐसी सेल्स जिनके अंदर प्रारंभिक केंद्रक प्रेजेंट रहता है उस सेल को हम यानी प्रारंभिक या प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और फॉर एग्जांपल इनका बैक्टीरिया एंड ब्लूग्रीन एल्गी फॉर द प्रेजेंट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। सो डीएनए आरएनए आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज द सेल प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। केंद्रक आर एब्सेंट, दैट साइटोप्लाज्म आर द प्रेजेंट ऑफ द इन पार्ट ऑफ द यानी न्यूक्लियस। सो प्रो का मतलब प्रारंभिक और कैरियोन का मतलब प्रारंभिक केंद्र, जिनके अंदर प्रेजेंट होता है उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और इस प्रकार की जो सेल्स हैं वो सेल हमें बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन में
देखने को मिलती हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जिनमें केंद्रक कला एब्सेंट रहती है और मुख्यतः यूकैरियोटिक सेल से वो सेल है जिनमें केंद्रक कला या यू का मतलब होता है सत्य ट्रू, यू यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो जिनमें सत्य केंद्रक है यानी वास्तविक केंद्रक है या ट्रू न्यूक्लियस है ऐसी सेल्स को हम यानी यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में सेल्स इन कहने का मतलब है जो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोटिक या प्राइमेटिक सेल्स जो है वो बैक्टीरिया बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइक्रो प्लाज्मा। सो द प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट फॉर द डीएनए आरएनए इन फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम आर प्रेजेंट इन 70 एस्टर इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइक्रो प्लाज्मा। दिस कंडीशन इन द यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल आर द ट्रू कैरियन यानी जिनमें वास्तविक केंद्रक या केंद्रक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट फॉर द साइटोप्लाज्म एंड द डिफरेंट मेटाबॉलिक ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन पार्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। जो मेटाबॉलिक ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम गॉल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्क्लेरोसोम्स आर द प्रेजेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल बट नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम एंड गॉल्जी बॉडी गॉल्जी बॉडी एंड स्पेरोसोम आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल आर ऑलरेडी एब्सेंट माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम गॉल्जी बॉडी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड स्पेरोसोम आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सारे पोजीशन माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम गॉल्जी बॉडी एंड Thanks for watching, for you, for studying now, and for your peace.